काशी एक रूप अनेक लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम से जुड़े हुए एक जनपद एक उत्पाद उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के संयुक्त कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अन्य कारीगर उपस्थित भाइयों बहनों, मैं काशी की इस धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने परंपरागत उद्यम को, कारीगरों को, शिल्पकारों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए देश के अंदर लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उन सभी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 2018 में एक जनपद एक उत्पाद का एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। हमें याद है जब हमने इसकी शुरुआत की थी, उससे पहले परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए जितने भी शिल्पकार थे, जितने भी उद्यमी थे, उन सब में एक निराशा थी, हताशा का सा माहौल था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सदैव से इस बात के लिए फोकस रहा है कि बड़े उद्योगों की आधारशिला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ही बन सकते हैं, और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश के अंदर 90 लाख से अधिक ऐसे सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां कुशलतापूर्वक अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं, उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा रही हैं, और लगातार प्रदेश का एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाने में एमएसएमई ने एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से नई ऊंचाइयों को छूने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। एक जनपद एक उत्पाद के साथ ही उन्हें नई डिजाइन, उनके लिए मार्केटिंग, उनकी ब्रांडिंग, इन सब को एक साथ जोड़ते हुए भारत सरकार और प्रदेश सरकार की संस्थाएं जहां इसको प्रोत्साहित कर रही हैं, वहीं साथ ही साथ प्रदेश के परंपरागत कारीगरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी आगे बढ़ाने की अभिनव योजना प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की, जिसमें माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुम्हारों को परंपरागत मैनुअल चाक की बजाय इलेक्ट्रिक या सोलर चाक उपलब्ध करा करके उसके कार्य की क्षमता को कई गुना आगे बढ़ाना, प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद हम मांग के अनुरूप समाज के सामने पत्तल और दोना उपलब्ध करा सकें, इसके लिए पत्तल और दोना बनाने की मशीन, ये मैनुअल भी है, इलेक्ट्रिक भी है और सोलर भी है। इसी प्रकार से चरखा, मैनुअल चरखा भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक और सोलर चरखा भी, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम कारीगरों को, चाहे वह राजमिस्त्री है, चाहे वह कारपेंटर है, गांव का नावो है, गांव का मोची है, गांव से जुड़े हुए हलवाई है, या गांव किसी भी उस परंपरा से जुड़ा हुआ जो परंपरागत कारीगरी रहा है उसको प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव गांव से उन लोगों को प्रोत्साहित करना, टोल किट की व्यवस्था करना, और फिर उनके किसी बैंक की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना के साथ उन्हें जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, आज उसका परिणाम है कि अकेले ओडीओपी में 5 लाख से अधिक नौजवानों ने इसमें रोजगार पाया है और अपना स्वयं का उद्यम उन्होंने स्थापित किया है। इस वर्ष जो स्पेशल ड्राइव हम लोगों ने चलाया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में और विश्वकर्मा सम्मान समारोह विश्वकर्मा श्रम सम्मान में भी, इस योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के अंदर 3,14,000 से अधिक उद्यमी इसका लाभ लिए और उन्हें टोल किट वितरण उपलब्ध कराने के साथ साथ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक का लोन उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन स्वयं प्रदेश के कोने कोने से आए हुए इन उद्यमियों को प्राप्त हो रहा है, हम सब आह्लादित हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश का नाम दुनिया के सामने और भारत को दुनिया की 5 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की जिस कार्यक्रम के साथ भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है, हमारा परंपरागत उद्यमी भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन US डॉलर की इकोनॉमी बनाने की ओर अपना प्राण से अपना योगदान देगा। इस विश्वास के साथ मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में और उन्हीं के द्वारा प्रेरित प्रोत्साहित इन सभी शिल्पकारों कलाकारों उद्यमियों के बीच में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।